से शानदार है। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, यहाँ आकर बहुत मजा आता है। और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो। वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई हैं। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। चुटकी, किसने मेरा लड्डू उठाया? नहीं तो मैंने नहीं लिया। तुम्हारा लड्डू मैं भूल कर भी नहीं उठा सकता। ये क्या?
तीन थे भाई। पकड़ लो इन्हें। भीम, ये लो। लाल वाली, एक वो ड्रैगन की पूंछ वाली, और एक वो मूंछ वाले मुंह वाली। बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। उस्ताद, हमें मालूम है आप ही जीतोगे। इन सबको मजा चखा देना। आज की रेस है ढोलकपुर और चलबलपुर के बीच में। जिस राज्य का सवार इस रेस को जीतेगा उसी राज्य की जीत होगी, और जीतने वाले को ये शानदार चमकती ट्रॉफी इनाम में मिलेगी। सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाएगी। बेमानी पर उतारू है। पर जीत हमेशा ईमानदारी और मेहनत की होती है। हम इन्हें हरा कर ही दम लेंगे। कालिया, तुम जाकर रेस खत्म करो, मैं तब तक इन सबको सबक सिखाता हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बेईमानी का क्या फल मिलता है। जीत गया।
जीत गया, मैं जीत गया। ढोलकपुर के कालिया पहलवान ने रेस जीत ली है और इसी के साथ जीत ढोलकपुर के नाम होती है। कालिया सामने आकर महाराज से अपनी ट्रॉफी ले लें। राजू अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरा कमाल। तैयार हो ढोलू भोलू? हाँ उस्ताद। अब देखो कैसे डराता हूँ। राजू जग्गू। हाँ कौन हो तुम? मैं हूँ एक खतरनाक राक्षस, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसा तो ये लो। अरे अरे बचाओ, मैं देख नहीं सकता। बचाओ बचाओ। अरे ये तो कालिया है। अरे अरे बचाओ बचाओ। कालिया नहीं। बचाओ। आज का मैच तो मैं ही जीतूंगा। खेलने में बहुत मजा आएगा। कितनी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो, मेरा अभी काम बाकी है। सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है। खेलने में मजा ही नहीं आता। चलो चलो उस पे खेलते हैं। तुमने हमें
लड्डू खाने बुलाया है। मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है, क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है, बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। शायद तैयार हो गया होगा। मैं सोच रही थी कि आज हमें कुछ मजेदार करना चाहिए। हाँ, पर पहले भीम से मिल तो ले, उसके बाद बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। भीम जवाब क्यों नहीं दे रहा? और आप सब कौन हो? मैं चुटकी, ये है राजू, कालिया, ढोलू भोलू। और मैं जग्गू। पर हमें आप सब बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्यारे। कोई बात नहीं भीम, सब याद दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ भीम। अच्छा ठीक है। सबसे पहले हम भीम को कहाँ ले जाएं ताकि उससे हम सब झट से याद आ जाएं। अभी चाचा, आप कैसे हैं? अरे वाह, तुम सब यहाँ? मैं ठीक हूँ चुटकी, तुम सब कैसे हो बच्चों? हम सब ठीक है। राजू, ये महोदय कौन है? ये क्या कह रहे हो भीम? राजू से तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अभी चाचा, भीम की यादाश्त चली गई है और हम सब उसे वापस लाने की कोशिश में। ओहो, तो फिर मेरे साथ आओ भीम। और ये देखो, किसी भी चीज को छोटा बनाने वाला आविष्कार। तुम सब चींटियों जितने हो गए थे, याद है? क्या, चींटियों जितने? ये तो कुछ नहीं है, तुम इस पूरे कमरे की सैर करके आओ, शायद ऐसी कोई चीज हो जो तुम्हें सब याद दिला दे। ठीक है। पर हमें इन्हें देख के कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भीम, चलो हम आप कहीं और चलते हैं। मतलब नहीं नहीं नहीं, असल में मैं आपके पास ही आ रहा था। मैं आपके लिए तोहफा लाया था, ये खुशबूदार रस सिर्फ आपके लिए महाराज। मुझे नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक बार तो इस्तेमाल करके देखिए महाराज। मंगल सिंह, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमसफर, कहाँ थे तुम? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा महाराज। मैं तो बस। चलो चलो मंगलू, मेरे दोस्त, मेरे साथ चलो, हम एक ही घोड़े पर साथ चलेंगे। सिपाहियों, चलो महल की तरफ चलते हैं। मंत्री जी, मंगलू को मेरी तरह तैयार कीजिए। मंगल सिंह महाराज, लेकिन ये तुमसे जैसा कहा है वैसा करो मंत्री। भीम, वो महल, मंगल सिंह, तिजोरी। क्या, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगल सिंह ने महल पर आक्रमण कर दिया है और राज तिजोरी से सोना चुरा लिया है। हा? राजा इंद्र वर्मा बंदी बना लिए गए हैं और मंगल सिंह उनके सिंहासन पर बैठ गया है। चुटकी, ये मंगल सिंह कौन है मैं नहीं जानता, पर ऐसा लगता है कोई बड़ी मुसीबत है। हम मदद करना चाहते हैं, पर हम उस महल में किसी को नहीं जानते। क्या आप सब कृपया हमारी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे भीम। कौन है आप और ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या
तुमने मुझे आप कहकर बुलाया और तुम मुझे नहीं जानते क्या? ऐसा लगता है कि हम ये पहले भी कर चुके हैं। कालिया उस्ताद, शर्त हार गया मैं, सब हंसेंगे। गोल गोल घूमती हूँ, गोल रानी हूँ। अगर कोई मुझसे ये जूते मांग ले तो मैं आजाद हो जाऊंगी। गोल गोल रानी को मारा किसने? लगता है तूफान। बेवकूफ लड़का। गोल गोल घूमती हूँ, गोल रानी हूँ। कालिया, कालिया तुम सबसे खास बन सकते हो, सबसे अलग। वो कैसे गोल रानी? मेरे जादुई जूते से ये पूरी दुनिया को गोल गोल घुमा सकते हैं। जलेबी ले लो, गरम गरम जलेबी ले लो। पैसे पैसे अभी बताता हूँ। बस कालिया, सबको परेशान करना बंद करो। कालिया भीम, तू गोल उस्ताद से नहीं बचेगा। ये सब हुआ कैसे?
भीम, उस गोल रानी ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं एक बड़ा हीरो बनना चाहता था और बड़ा बेवकूफ बन गया। अब मैं हमेशा कालिया, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस बेवकूफ कालिया ने मेरा गोल गोल घूमना बंद कर दिया। अब मैं कौन हो तुम? हमारे दोस्त कालिया को इन जूतों से आजाद करो। कभी नहीं। कालिया को अरे ये है कौन? क्यों पकड़ी है हमारी गेंद? चल वापस कर। क्यों पकड़ नहीं पाए? लो फिर से कोशिश कर लो। ये तो गेंद से भी तेज दौड़ता है। पर ये है कौन? अफलातून। चलो राजू बाहर खेलने चले। समय तो देखो, इतनी धूप है बाहर। तो अंदर ही कुछ खेलते हैं। बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं। ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माने मोती चूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेके चली आऊं। वैसे भी खेल सोच रहे थे ना, क्यों ना कुछ जासूसी वाला खेल खेले। क्या बढ़िया तरकीब है चिटकी। जासूसी वाला खेल तो आज तक हमने खेला नहीं है। क्यों ना ऐसा खेल खेले जिसमें कोई एक चोर बनकर कुछ छुपाएगा और बाकी सारे जासूस बनकर उसे ढूंढेंगे। हम भी खेलेंगे। वैसे भी हम उस्ताद से खाना छुपाने में माहिर हैं। अच्छा बच्चू। इस बार माफ कर दिया। अच्छा हुआ कालिया कि तुम आ गए। हम बस एक नया खेल शुरू करने ही वाले थे। तुम भी हिस्सा लो। ठीक है। बस एक आखिरी बात, ऐसा करते हैं कि जासूस अगर छुपी चीज के करीब है तो चोर बोलेगा गरम, और अगर जासूस दूर जाएगा तो चोर बोलेगा ठंडा। ये अच्छा है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ चलो ढूंढो। चुटकी ठंडा, चक्कू उफ बर्फीला, कालिया थोड़ा गरम, ओ राजू बहुत बहुत गरम। मिल गई, 5 पॉइंट मेरे। अब छिपाने की बारी राजू की। मैंने छिपा दी अपनी पतंग, अब ढूंढ कर दिखाओ। ये रही पतंग उस्ताद। और मैंने जो पंख छुपाया वो ढूंढ कर बताओ। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। अब तुम्हारी बारी जग्गू। लेकिन अब
कैसे पॉइंट पे पॉइंट